चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षित चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट का स्लॉट वाइज शेड्यूल आ चुका है और आपने शायद देख भी लिया होगा। जिन कैंडिडेट्स को राजस्थान के थर्ड राउंड में ऑफलाइन में भाग लेना है, वो कैंडिडेट 12 सितंबर 2023 से ऑफलाइन की काउंसलिंग स्टार्ट है, उसमें अपना शेड्यूल और स्लॉट देख करके निश्चित समय पर जयपुर पहुंच जाएं। ये जो काउंसलिंग होती है ऑफलाइन, ये जयपुर RUHS डेंटल यानी कि सुभाष नगर में होती है, पानी पेज के पास में होती है। तो किसी भी स्टूडेंट को इस वेन्यू का अगर जगह मालूम नहीं है तो इसमें मैप भी दिया गया है वेबसाइट पर, तो आप मैप देखकर भी वहां पहुंच सकते हैं। अब दूसरी बात, जो ये पहले काउंसलिंग हुआ करती थी सेकंड राउंड की, वो ऑफलाइन हुआ करती थी, इसमें जो रूल्स हैं, ये सारे सेकंड राउंड के कुछ रूल्स इसमें शिफ्ट हो चुके हैं और इसमें कुछ नए रूल्स भी आए हैं। तो क्या नए रूल्स आए हैं थर्ड राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो स्लॉट वाइज शेड्यूल है, इसमें आपको कौन कौन से कैंडिडेट को किस डेट को पहुंचना है। इसमें तो शेड्यूल आपने देखा ही होगा, इसमें 12 सितंबर को 8 बजे रिपोर्ट करना है 1000 रैंक तक और 11 बजे रिपोर्ट करना है 1800 रैंक तक। 12 तारीख को 1800 रैंक तक अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके बाद में 13 से फिर से 1801 से स्टार्ट होगा और लास्ट 3300 रैंक तक ये काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में जो 3301 से लेकर के 3999 तक, ये 11 बजे बाद 15 सितंबर को होगा। इसके बाद इसमें 14 सितंबर को सभी एससी कैंडिडेट और एमबीसी कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी, 15 सितंबर को एसटी कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी और इसमें एसटीए भी शामिल हैं, और 15 सितंबर को जब एससी एसटी की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जनरल ओबीसी और बाकी जो मेरिट है, यानी कि 3301 रैंक से लेकर के ये 3999 राजस्थान रैंक तक, ये 15 सितंबर को होगा। 16 को फिर इसके आगे होगा, यानी कि 4001 रैंक से लेके 5498 तक 8 बजे तक रिपोर्टिंग है और 8500 रैंक वाले कैंडिडेट की 11 बजे रैंकिंग है 16 सितंबर 23 को। 17 को लास्ट जो होगी 12000 तक स्टेट मेरिट तक कंप्लीट हो जाएगी काउंसलिंग, और 18 को 13253 जो लास्ट रैंक है वहां तक हो जाएगी, और फिर जो बचे हुए अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं 11 बजे 18 तारीख को उनकी काउंसलिंग होगी। तो ये 12 तारीख से लेके 18 तारीख का पूरा शेड्यूल है। इसमें ये जो दिखाया गया है, ये स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है शेड्यूल। तो इसमें अपने आप स्टेट मेरिट देख लें, अभी जस्ट ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट राउंड 3 के लिए कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसमें अपना मेरिट लिस्ट नंबर देख लें, स्टेट मेरिट देख लें और उसी स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग यहां पर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अभी काउंसलिंग के लिए एंट्री पास जरूरी है, एंट्री पास डाउनलोड होता है जिसमें बारकोड क्यूआर वगैरह होते हैं, तो वो एक पेज का जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर होता है उसी टाइप का एक एंट्री पास होता है, जिससे आपको वहां गेट पर एंट्री मिलेगी। वो स्कैन होने के बाद ही आपको गेट के अंदर एंट्री मिलेगी और साथ में एक किसी भी आप पेरेंट्स गार्जियन को साथ में ले जा सकते हैं, एक किसी को भी ले जा सकते हैं साथ में। अब जो आपको एंट्री पास डाउनलोड करना है, वो जहां से आप एप्लीकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये डाउनलोड किया करते थे, वहां एंट्री पास का एक यहां लिंक होगा, उससे आप एंट्री पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना एंट्री पास डाउनलोड करें और जिस डेट को आपका शेड्यूल है उस डेट को आप समय से पहुंच जाएं। तो ये तो थी स्लॉट वाइज शेड्यूल की बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें रूल चेंज क्या हुआ है। तो अब की बार जो रूल चेंज हुआ है इसमें, वो रूल ये है कि आपको बॉन्ड और अंडरटेकिंग आपको अलॉटमेंट के टाइम पर ही प्रोड्यूस करना होगा। पहले जब सेकंड राउंड ऑफलाइन हुआ करता था तो इसमें ये बाद में डिपॉजिट करते थे, जब एसएमएस में डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट होते थे तब जाके आपको बॉन्ड और अंडरटेकिंग डिपॉजिट करना होता था, लेकिन इस बार अलॉटमेंट के टाइम पर ही, यानी कि आपका जब अलॉटमेंट होगा उससे पहले ही आपको बॉन्ड की भी रिक्वायरमेंट है और अंडरटेकिंग की भी रिक्वायरमेंट है। ये बॉन्ड आपको कहां से बनवाना है, तो ये बॉन्ड जो बनवाना है आप अपने तहसील वगैरह से भी बनवा सकते हैं, जहां ये स्टाम्प वगैरह रखते हैं उन पर भी बना सकते हैं, और या फिर आप कोर्ट में भी बनवा सकते हैं, इसमें नोटेरी होना जरूरी है इसमें। अब इसका जो फॉर्मेट है, इसकी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, इसका परफॉर्मा नंबर 6 पर इसका बॉन्ड का फॉर्मेट दिया गया है। तो इसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेट है ये है, आपको अवेलेबल हो जाएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन के परफॉर्मा 6 पर।
तो इसमें मैं आपको बॉन्ड की कंडीशन भी समझा देता हूं। ये बॉन्ड उन कैंडिडेट्स को जरूरी है जो गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं या पेमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर डेंटल आरयूएचएस डेंटल के गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं। इन तीन प्रकार के कैंडिडेट्स को ये बॉन्ड और अंडरटेकिंग ले जाना जरूरी है। अब इस बॉन्ड में ये लिखा गया है कि जैसे ही आपने एक बार सीट अलॉट करवा ली उसके बाद में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख रुपए पे करना होगा। इसमें 5 लाख रुपए पे करना होगा, ये बॉन्ड की कंडीशन है यहां पर। अब जो कैंडिडेट्स वैसे तो सीट को रिजाइन नहीं कर सकते, थर्ड राउंड में जो आपको सीट मिलेगी एक बार आपने अलॉट करवा ली उसको रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप रिजाइन करते हैं तो उसके बाद आगे की राजस्थान की काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि आप स्टे वैकेंसी में जा सकते हैं एमसीसी के, वहां का रूल ये है कि आपके पास कोई सीट होल्ड नहीं होनी चाहिए, वहां पर आप जा सकते हैं रिजाइन दे करके, लेकिन आप राजस्थान की काउंसलिंग में स्टे राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके आगे वाले किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप सीट छोड़ते हैं तो। और सीट छोड़ना है तो अलॉटमेंट के बाद सीट छोड़ेंगे, आपने एक बार बॉन्ड डिपॉजिट कर दिया, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट हो गए, उसके बाद आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। इसी के साथ में एक अंडरटेकिंग दिया गया है परफॉर्मा नंबर 7 पर, यह अंडरटेकिंग भी आपको फिल करना है। वैसे तो ये अंडरटेकिंग 100 सॉरी व्हाइट पेज पर ही सिग्नेचर करके दी जाती है, लेकिन जब हमने देखा है सेकंड राउंड में कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज ने इसको 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर भी लिया है, तो आप इसी प्रकार से आप इसको भी तैयार कर लें। तो अंडरटेकिंग का मैंने बता दिया, बॉन्ड का बता दिया। दूसरी बात, जब आपका अलॉटमेंट होगा उस समय आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट होंगे वहां पर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जब अलॉटमेंट होगा ऑफलाइन, वहां पर ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट होंगे और सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन और सीसी, ये तीन तो हो गए आपके एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गए। इसके बाद आपको स्कोर कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है, ये जो नीट रिलेटेड है ये आपको लेकर के जाने हैं इसमें। इसके बाद आपका फोटो होना चाहिए, कैटेगरी के कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल इसमें जरूरी है। इसमें जो एक इलिजिबिलिटी 1 to 10 दिया गया है उसमें आपका डोमिसाइल चलेगा, जो राजस्थान स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं इसमें। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, डोमिसाइल हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, और जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कोई पीडब्ल्यूडी से है, पीडब्ल्यूडी का, एनआरआई का, वो सर्टिफिकेट इसमें आपको लेकर के जाना है। अब दूसरी बात, जो ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका आज 11 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, जैसे एनआरआई है, पीडब्ल्यूडी है, डब्ल्यूडीपी है, डब्ल्यूपीपी है, इनका हो जाएगा आज अलॉटमेंट। ये इसके बाद आगे अपने मेरिट में ही वो कर सकते हैं पार्टिसिपेट, नहीं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनकी जो जितनी भी सीटें वैकेंट होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में, यानी कि जो एनआरआई की सीटें हैं वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, पेमेंट सीट पर कन्वर्ट हो जाएंगी, और बाकी जैसे कि किसी की मैनेजमेंट सीट है, जैसे कि सॉरी एनआरआई की सीट के बारे में मैंने बता दिया, पीडब्ल्यूडी की सीट है वो अपने कंसर्न कैटेगरी में चली जाएंगी, जो उनका 5% होरिजेंटल रिजर्वेशन है, तो जिस कैटेगरी से वो सीटें उनको मिली थी, जिस कैटेगरी से वो सीटें आई थी उसी कैटेगरी में वो वापस चली जाएंगी। तो ये तो था एनआरआई, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूडीपी और डब्ल्यूपीपी कैंडिडेट्स के लिए, जिनकी काउंसलिंग आज हो रही है, और बाकी कैंडिडेट्स की 12 से लेके 18 तक इसका शेड्यूल दिया गया है जो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसमें एक चेंजिंग थी जो मैंने आपको बता दी है, आपको बॉन्ड लेकर के जाना है। अभी वहां पर अलॉटमेंट कैसे होगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स को अभी इस प्रकार का कंफ्यूजन है कि वहां अलॉटमेंट कैसे होगा, क्योंकि जो पिछले साल गए हैं काउंसलिंग में उनको तो पता है अलॉटमेंट प्रोसीजर का, लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं उनको अलॉटमेंट प्रोसीजर का पता नहीं है किस प्रकार से ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वही इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिसके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही इलिजिबिलिटी है यहाँ की राजस्थान की, जिसके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में राजस्थान स्टेट से सीट अलॉट हो गई है वो भी यहाँ इसमें अपग्रेड कर सकता है। अब दूसरी बात है कि आपको एंट्री पास डाउनलोड करना है वेबसाइट से, वो मैंने बताई दिया है, एक पेज का एंट्री पास होगा। इसके साथ में आप अपना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था राजस्थान का, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेकर के जाना है। इसका एक पार्ट वन भी होता है, वो पार्ट वन भी आपको लेकर के जाना है राजस्थान की काउंसलिंग में। तो आपका पार्ट वन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया राजस्थान का, और इसके बाद में आपका बॉन्ड हो गया, अंडरटेकिंग हो गया और ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गई। तो ये तो आपको लेकर के जाने ही जाने हैं। जैसे ही आप लेकर के जाओगे, गेट पे जाएंगे, तो आपका एंट्री जो टिकट है वो स्कैन होगा, आपके साथ में एक आपका पेरेंट्स जा सकता है या फिर गार्जियन जा सकता है, कोई भी आपके साथ में अंदर जा सकते हैं जहां पर डिस्प्ले वगैरह लगी होती है।
अभी स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह वहां चेक करवाएंगे। ये सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक हो जाते हैं, एक बार बाहरी चेक होते हैं। चेक होने के बाद में जो बोर्ड होता है उसके सामने सिर्फ स्टूडेंट ही जाता है, और वो मेरिट के अकॉर्डिंग जाता है। उसके डॉक्यूमेंट्स पहले ही चेक हो जाते हैं, और फिर जहां अवेलेबल सीट होती है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को वो सीट दी जाती है। कैंडिडेट से पूछा जाता है आपको कौन सी सीट चाहिए, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें एक चॉइस लिस्ट का परफॉर्मा दे रखा है, जैसे आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां पर चॉइस लिस्ट का परफॉर्मा दे रखा है। वो परफॉर्मा आप 3-4 पेज प्रिंट करवा लें, उसमें आपको चॉइस फिल करके लेकर के जानी है, यानी कि आपको कौन कौन सी कॉलेजें लेनी है वो आप चॉइस फिल में फिल कर दें, और एक आपको चॉइस फिल का जो परफॉर्मा है फॉर्मेट हो एक्स्ट्रा लेकर के जाना है उसमें। तो वो चॉइस फिल आप लेकर के बोर्ड के सामने जाएंगे, जो अवेलेबल सीट्स होंगी उसमें आप सीट अलॉट करवा लेंगे। तो सीट अलॉट करवाने के बाद में फीस वगैरह आपको वहां पर पे नहीं करनी है, वहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे और आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको SMS के एकेडमिक ब्लॉक में जाना है, वहां पर आपको एक फोटोकॉपी सेट डिपॉजिट होगा, जो आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज की डेस्क पे जाना है, और वहां पर आपको एक फोटोकॉपी सेट डिपॉजिट करना है। उसके बाद में DD यानी फीस डिपॉजिट करनी है, और इसके बाद में आपके जो अलॉटमेंट लेटर मिला है आपको वो डिपॉजिट करना है। आप अलॉटमेंट लेटर की 3-4 कॉपी प्रिंट करवा लें। अब इसमें जो आपका एडमिशन होगा उसमें फीस के लिए आप इसकी वेबसाइट पर अलग अलग कॉलेजों की फीस दी गई है, तो आप फीस देख लें और किस नाम से बनवानी है उसी नाम से, आप कॉलेज के नाम से अकाउंट नंबर से आप ये डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे अच्छा है आपको सीट मिल जाए तो एक बार उससे पहले आप SMS में विजिट कर लें, ज्यादा दूरी नहीं है। SMS में विजिट करके वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे दिन भी आ सकते हैं। ये आप एडमिशन जो जयपुर में आपको लेना है 21 सितंबर 2023 तक ले सकते हैं, और उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करनी है। कॉलेजेस में ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हैं, आपको जाकर के कॉलेज में दूसरे दिन ही चले जाएंगे, वही बेटर रहता है क्योंकि अटेंडेंस कम रह जाती है बाद में स्टूडेंट्स की। तो कॉलेज में जाकर के अपना क्लास लें, मेडिकल करवा के क्लास अटेंड कर सकते हैं, हॉस्टल वगैरह इश्यू करवा लें वहां, और कोई जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज है, मेडिकल वगैरह है, ये सारा करवा करके क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता दी है, फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और जो भी कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल द्वारा दी जाती है। बाकी समय समय पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।